Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग. सो अभी मैं हूँ कॉलेज में. आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी सुबह की 8 से 11 की, एंड वो कंप्लीट हो चुकी है. एंड दूसरी क्लास हो चुकी है कैंसिल, एंड उसके जो उनसे नोट्स हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगे. उसके बाद मैंने सोच रहा था कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था ज़्यादा. तो मैंने सोचा कि जिस रूम में, जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, उसका ही आपको पूरा टूर दे दूँ कि वहाँ पर कैसी किचन है एंड कैसे बाथरूम होते हैं, कैसा रूम मिला है मुझे, ताकि आप लोग भी कुछ आइडिया लगा सको जब आप लोग कनाडा आ रहे हो किस तरह की आपको यूटिलिटीज़ मिलने वाली है आपके रूम में. सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ घर. एंड अंदर से दिखाने से पहले मैं आपको पहले बाहर की घर की लुक दिखा देता हूँ. सो गाइस, ये घर के बाहर की लुक, एंड ये जो उनसे आप लोग कार देख रहे हो, ये मेरे हाउसमेट की है. एंड ये घर का एंट्रेंस एरिया. यहाँ पर सभी के घर के बाहर एक बहुत अच्छा गार्डन बना होता है जिनको लोग प्रॉपरली केयर करते हैं जिनकी. एंड घर में एंट्री होते ही हर घर में आपको एक शू रैक मिलेगा, बिकॉज लोग यहाँ पर बाहर के शूज़ और घर के शूज़ अलग अलग रखते हैं ताकि घर गंदा ना हो और साफ रहे. एंड ये यहाँ पर एक और शू रैक, यहाँ पर कि सर्दियों के शूज़ और मेरे जितने भी हाउसमेट्स हैं उन सब के शूज़ पड़े हुए हैं. एंड ये है हमारा लिविंग रूम. ये काफ़ी बड़ा और सही लिविंग रूम है. अगर आप लोगों को रिलैक्स करना है, चिल करना है एंड अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है तो स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पर आकर इजीली कर सकते हो. एंड ये स्टेयर्स ऊपर जाकर 3 रूम है, वहाँ पर मेरे जितने भी हाउसमेट्स हैं वो सारे रहते हैं. एंड ये वॉशरूम. यह लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पर 2 वॉशिंग मशीन्स हैं, एक कपड़े धोने के लिए और दूसरे सुखाने के लिए. यह है हमारा किचन एरिया जो कि काफ़ी बड़ा है इंडिया के कंपैरिजन में. एंड यहाँ पर किचन एरिया में एक पियानो भी है जो कि कोई यूज़ नहीं करता. एंड ये है वाईफाई. और किचन एरिया के बाद यहाँ पर है बैकयार्ड, यहाँ पर कि जो कि सबसे सही पोर्शन है इस पूरे घर का. यहाँ पर आप लोग पीछे बैठकर आराम से असाइनमेंट कंप्लीट करो, चिल कर सकते हो. एंड उसके साथ ये गार्बेज यहाँ पर बाहर रखा हुआ है बिकॉज अंदर स्मेल आती है नहीं तो. एंड ये पूल है जो कि अभी शुरू नहीं हुआ, बट होपफुली नेक्स्ट वीक तक शुरू हो जाएगा. अभी ये क्लीन हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल सिस्टम ही होते हैं, अपने आप क्लीन कर देते हैं वो. अब मैं लेके चलता हूँ आप लोग को अपने रूम में. गाइस, मेरा रूम बेसिकली बेसमेंट में है, तो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो दिखेगी बिकॉज यहाँ पर लाइट बहुत कम है. सो गाइस, ये मेरा रूम जहाँ पर कि मैंने सबसे पहले बाबा जी की फ़ोटो रखी हुई है. अगर मैं सुबह कॉलेज जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पाठ करके जाऊँगा, उसके बाद ये मैंने अपने दूसरे सेक्शन में जो उनसे एसेंशियल आइटम्स हैं वो रखी हुई हैं. एंड ये है मेरा रूम, ये मेरा गद्दा, यहाँ पर कि लैपटॉप पड़ा हुआ है एंड मेरे तो उनसे और स्कूल कॉलेज का सामान वो पड़ा हुआ है, साथ में मेरी टैची. एंड यहाँ पर ये मैंने अपने
कपड़े, अपनी जैकेट और अपना टॉवल लटकाने का बंदोबस्त किया हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने अपने कपड़े अंदर लटकाए हुए हैं सारे। एंड गाइज, ये अब दूसरा वॉशरूम एरिया जहाँ पर कि जैकूजी अटैच्ड है। सो इस पूरे घर में दो वॉशरूम हैं, तो बाई चांस अगर एक बिजी हो तो दूसरे में आ सकते हैं। सो गाइज, ये थी एक क्विक हाउस टूर वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए जो लोग कनाडा आने वाले हैं और अगर वहाँ पर किस तरह के घर होते जाना चाहते हो तो ये वीडियो उन लोगों को दिखाइए, ताकि आप लोग भी अपने लिए एक अच्छा रूम पहले से बुक कर पाओ। एंड इस रूम का मैं रेंट जो सा पे कर रहा हूँ वो है $600, $500 हर महीने रेंट प्लस यूटिलिटीज जो कि वाईफाई होता है, बिजली का खर्चा और जो सा थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर लाइक सामान यूज़ कर रहा हूँ उसका पे करना पड़ता है $100 एक्स्ट्रा। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट उतने ही आपको यहाँ पर लाइक कंफर्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल घर है ये, लाइक सब कुछ अवेलेबल है। जो सा मुझे पर्सनल रूम मिले, मुझे पर्सनल स्पेस मिले, मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं पार्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आई एम कम्प्लीटली फ्री ओवर हेयर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को दिखाइए एंड इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं सीधा ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।